आज हम लोग इफ्टिंग डॉट पी के का बैकअप लेंगे और ये ओपन कार्ट के अंदर बनी हुई वेबसाइट है। तो सबसे पहले हमें जाना है सी पैनल के अंदर जिसपे ये वेबसाइट होस्ट है। तो आपका मे भी होस्ट कोई भी गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने सी पैनल के अंदर जाओगे, सी पैनल के ऊपर सी पैनल का लुक एंड फील ये है जिसके अंदर फाइल मैनेजर्स हैं, डेटाबेसेस हैं हमारा और जितने भी ईमेल अकाउंट्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं। अभी जो हमारा कंसर्न है वो इसका फाइल्स का बैकअप लेना है। जब हम फाइल्स का ओपन करते हैं फोल्डर तो फाइल मैनेजर तो हमारे पास ये बैकअप आता है, और जब हम लोग डेटाबेसेस के लिए पीएचपी माई एडमिन ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है। इसमें जो गिफ्टिंग का बैकअप के अंदर डेटाबेसेस है वो गिफ्टिंग अंडरस्कोर डीबी है। तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट में जाके गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी जो फाइल स्ट्रक्चर है तो उसका फाइल स्ट्रक्चर ये है, और मैं इसके अंदर अपनी डेटाबेसेस फाइल्स जो है वो ऐड करने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं दोनों को बैकअप करके सेम प्लेस पे ही रखना चाह रहा हूँ। उससे ये होगा कि डेटाबेसेस की फाइल और जो दूसरी फाइल्स हैं पूरे स्टोर की वो एक ही जगह पे मेरे पास बैकअप हो जाएगी, और इनको मैं जिप फाइल के अंदर सेव कर लूंगा फर्दर यूजेज के लिए कि अगर स्टोर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको यहीं पे रिस्टोर कर सकूंगा। हमारी ये फाइल एसक्यूएल की यहाँ पे आ गई होगी, ये जो है हमारे पास आ गई है एसक्यूएल फाइल, ये 18 MB की है। अब हमें ये पूरे स्टोर की फाइल्स को सेव करना, तो हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और इनको कंप्रेस कर लेंगे। हमें जिप टाइप चाहिए होती है तो इसको हम दे देते हैं जी गिफ्टिंग, और आज डेट है 28 और 4 ईयर चल रहा है 18, तो ये हमें कंप्रेस कर देगा थोड़ी देर के अंदर क्योंकि स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो ये जो बैकअप है काफी मतलब कि ज्यादा स्पेस लेगा और ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा इसको कंप्रेस करने में, क्योंकि ये इसका बैकअप जो है 3 से 4 GB का बैकअप होगा।